हेलो दोस्तों, अगर फिर से आपका स्वागत है। आइए चलते हैं बिहार सुबह की ताज़ा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको बिहार सुबह की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली और बड़ी खबर, राबड़ी आवास में सीढ़ी से गिरे आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव, कंधे की हड्डी टूटी। राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव के साथ बड़ा हादसा हो गया। राबड़ी आवास में ही सीढ़ी से उतरने के दौरान वो गिर पड़े, तत्काल उन्हें अस्पताल ले जाया गया। बताया जा रहा है कि उनके कंधे की हड्डी टूट गई, डॉक्टर उनका इलाज कर रहे। आपको बता दें कि राबड़ी आवास में अभी लालू प्रसाद यादव रह रहे और सीढ़ी से उतरने के दौरान ये हादसा हुआ। अगली खबर मुजफ्फरपुर से। मुजफ्फरपुर में एक महिला ने एक साथ तीन बच्चों को जन्म दिया, तीनों बच्चे स्वस्थ हैं। मामला सामने आने के बाद लोग हैरत में हैं। दरअसल मामला जिले के बंदरा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का है। चिकित्सक ने बताया कि जच्चा और बच्चा दोनों स्वस्थ है। पीएचसी प्रभारी डॉक्टर नौशाद अहमद ने बताया कि बलिगामा निवासी सत्तन सहनी के 27 वर्षीय पत्नी पुष्पा देवी 9 महीने से गर्भवती थी और उन्होंने तीन बच्चे को एक साथ जन्म दिया। अगली खबर, बिहार के 19 जिलों में बारिश, बिजली का अलर्ट। कैमूर में ट्रामा सेंटर डूब गया, 48 घंटे कई जिलों में छाए रहेंगे बादल। बिहार के 19 जिलों में बारिश और आकाशीय बिजली का अलर्ट है। बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद, अरवल, पटना, गया, नालंदा, शेखपुरा में बारिश की संभावना है। वहीं अगले 48 घंटे में सीतामढ़ी, अररिया, किशनगंज, पश्चिमी चंपारण के अलावा राज्य के पश्चिमी हिस्से में एक दो स्थानों पर भारी बारिश के साथ आकाशीय बिजली को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। घर में रहें, घर में अगर कोई काम है तभी बाहर निकलें। और गया से, गया में एक पिता ने अपनी बेटी के साथ रेप किया और फिर उसकी हत्या कर दी। बताया जाता है कि घर में दोनों अकेले थे, नशे में धुत आरोपी ने इस दरिंदगी को अंजाम दिया। मामले का खुलासा तब हुआ जब आरोपी ने सुबह होकर पड़ोसियों से कहा कि उसकी बेटी जाग नहीं रही, अजीब तरीके से सो रही है। जब पड़ोस की महिलाएं बच्ची को देखने आई तो देखा वो मर चुकी थी, उसके कपड़े अस्त व्यस्त थे। उसकी हालत देख महिलाओं के होश उड़ गए। आनन फानन में महिलाओं ने गाँव के लोगों को सूचना दी, इसके बाद इसे गिरफ्तार किया गया। अगली खबर, सीबीएसई 10वीं का रिजल्ट आज जारी हो सकता है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 4 जुलाई को घोषित कर सकता है रिजल्ट। आज किसी भी समय सीबीएसई 10वीं का रिजल्ट आ सकता है। वहीं 12वीं का रिजल्ट के 10 जुलाई तक आने की संभावना है, फिर उसके बाद किसी भी दिन जारी किए जा सकते हैं। अगली खबर, सीतामढ़ी जिले में फिर से मिले 7 नए कोरोना मरीज। सीतामढ़ी जिले में एक बार फिर 7 नए कोरोना संक्रमित पाए गए। सदर अस्पताल स्थित आरटीपीसीआर जाँच में आई रिपोर्ट में 7 कोरोना संक्रमित मिले हैं। संक्रमितों में जिलों के बखरा प्रखंड के 4, सोसन प्रखंड के 2 और बथनाहा प्रखंड के 1 लोगों में कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। दिन में 7 संक्रमित मिलने पर स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। अगली खबर, बिहार में सरकारी स्कूलों के बच्चे पढ़ेंगे ड्रोन और रोबोट टेक्नोलॉजी, इंटर्नशिप का मौका भी मिलेगा। आपको बता दें कि बिहार के सरकारी विद्यालयों में 6ठी से 8वीं तक के बच्चों को भी तकनीकी शिक्षा मिलेगी। ये पाठ्यक्रम 3 से 6 महीने के होंगे। विद्यार्थियों को प्रशिक्षण के साथ इंटर्नशिप भी कराया जाएगा। इसका मकसद ज़्यादा से ज़्यादा छात्र छात्राओं को रोजगार परक कौशल और तकनीकी रूप से दक्ष बनाना है। यह प्रशिक्षण निःशुल्क दिया जाएगा। हाल में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बिहार को स्कूल स्तर से डेटा साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समेत व्यावसायिक शिक्षा से जुड़े नियमित पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए कहा है। अगले साल से 2024 तक सभी मिडिल एवं सेकेंडरी स्कूलों में इसे लागू किया जाएगा। अगली खबर, पटना में 70 मकानों को तोड़ने के दौरान एसपी के चेहरे पर लगी चोट, 12 लोग किए गए अरेस्ट। बुलडोजर कार्रवाई का हिंसक विरोध किया गया। आपको बता दें कि पटना के नेपाली नगर इलाके में पुलिस प्रशासन और स्थानीय लोगों के बीच हिंसक झड़प हो गई। इस घटना में सिटी एसपी अमरीश राहुल और 2 अन्य पुलिसकर्मी चोट लगने से घायल हो गए। पटना प्रशासन के अधिकारी बिहार राज्य आवासीय बोर्ड की जमीन पर अवैध रूप से बने 90 मकानों को तोड़ने की कार्रवाई करने पहुंचे थे। जानकारी के मुताबिक जब स्थानीय प्रशासन के लोग नेपाली नगर इलाके में 90 मकानों को तोड़ने की कार्रवाई कर रहे थे तो उसी दौरान स्थानीय लोग उग्र हो गए और उन लोगों ने पुलिस प्रशासन के ऊपर जमकर पत्थरबाजी कर दी। कई सरकारी वाहनों को तोड़ दिया गया। उग्र भीड़ पर काबू पाने के लिए पुलिस प्रशासन ने भी लाठीचार्ज करते हुए आंसू गैस के गोले भी दागे और हल्का बल प्रयोग किया। स्थानीय लोग और पुलिस के बीच ऐसे हिंसक झड़प में सिटी एसपी अमरीश राहुल को भी चेहरे पर चोट लगी है। हालांकि मकानों को तोड़ने की कार्रवाई चालू ही रखी गई। अगली खबर, सड़क निर्माण में बिहार ने बनाया रिकॉर्ड, महज 98 घंटे में बना दी 38 किलोमीटर की सड़क। भारत सरकार के केंद्रीय भूतल परिवहन विभाग के द्वारा पहले से ही 105 घंटे में 75 किलोमीटर सड़क बनाने का विश्व रिकॉर्ड है। बिहार के रोहतास जिले में मात्र 98 घंटे में 38 किलोमीटर सिंगल लेन सड़क का निर्माण कर दिया गया, जो कि अपने आप में एक कीर्तिमान स्थापित कर दिया गया है।
तेज गति से सड़क बनाने में बिहार ने नया कीर्तिमान स्थापित किया है। राष्ट्रीय उच्च पथ भारतमाला योजना सड़क निर्माण परियोजना के तहत बिहार के रोहतास जिले में ये रिकॉर्ड बनाया गया। मात्र 99 घंटे से कम समय में युद्ध स्तर पर आधुनिक तकनीक के साथ इस सड़क का निर्माण कार्य पूरा किया गया, साथ ही पूरे देश को एक मैसेज देने की कोशिश भी की गई। अगली खबर, हैदराबाद में दो दिन से भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद सभा में गृह मंत्री अमित शाह ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री पर जमकर हमला बोला। अमित शाह ने कहा कि केसीआर सरकार की कमान ओवैसी के हाथ में है, मुख्यमंत्री सचिवालय नहीं जाते क्योंकि उन्हें एक तांत्रिक ने कहा है कि अगर आप सचिवालय जाएंगे तो सरकार गिर जाएगी। समापन कार्यक्रम में पीएम नरेंद्र मोदी भी पहुंचे। पीएम ने अपने संबोधन में हैदराबाद को भाग्यनगर कहा। वो बोले, तेलंगाना की जनता राज्य में भाजपा की डबल इंजन की सरकार के लिए खुद ही रास्ता बना रही है। ऐसा लग रहा जैसे तेलंगाना आज इस मैदान में ही सिमट गया है। 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को आपने भरपूर समर्थन दिया। ग्रेटर हैदराबाद के चुनाव में भाजपा को आपने जो प्यार दिया वो ऐतिहासिक है। अब तेलंगाना के लोगों की बारी है कि भाजपा को जिताएं और हैदराबाद को भाग्यनगर बनवाएं। अगली खबर, असम में बाढ़ से 22 लाख लोगों पर आफत। देश के ज्यादातर हिस्सों में बारिश की दस्तक से लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली है। वहीं दूसरी ओर पूर्वोत्तर के राज्यों के लिए यही बारिश आफत का सबब बनी है। इनमें भी सबसे ज्यादा परेशानी असम को झेलनी पड़ रही। असम में बाढ़ की वजह से अब तक 22 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। राज्य के 34 में से 27 जिलों के कम से कम 1,934 गाँव अभी भी बाढ़ की चपेट में है। अप्रैल से लेकर अब तक बाढ़ और लैंडस्लाइड से मरने वालों की संख्या 174 हो गई है। कुछ नदियों में जलस्तर घटने से हालात में सुधार हुए हैं, लेकिन ब्रह्मपुत्रा, कोपिली, दिसांग और बुरी डिहिंग जैसी नदियां अभी भी कई जगहों पर खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। अगली खबर, बिहार के मोतिहारी में एक पैसेंजर ट्रेन के इंजन में आग लग गई। इस दौरान ट्रेन के अंदर यात्री मौजूद थे। हादसा रक्सौल से नरकटियागंज जा रही ट्रेन में सुबह 6:10 में हुआ। रेलवे कर्मचारियों को जैसे इसकी भनक लगी तुरंत ट्रेन रोकी गई। इस दौरान यात्री भी ट्रेन से कूदकर भागने लगे। ट्रेन के पास मौजूद कर्मचारी भी बोगियों में पहुंचे और लोगों को नीचे उतारा। इसके बाद इंजन से लगी बोगियों को अलग किया गया। अब इन बोगियों को दूसरे इंजन से जोड़कर नरकटियागंज ले जाने की तैयारी है। पैसेंजर भी पूरी तरह सुरक्षित बताए जा रहे। अगली खबर, सीतामढ़ी में शिक्षकों का तबादला हुआ शुरू। सीतामढ़ी जिले में मिडिल स्कूलों में पदस्थापित 44 हेडमास्टर का ऐच्छिक तबादला किया गया है। इसके अलावा 20 अन्य शिक्षकों का भी तबादला की कार्रवाई की मांग की गई। इस संबंध में स्थापना डीपीओ महेश प्रसाद सिंह ने आदेश जारी कर कहा है कि संबंधित हेडमास्टर एवं शिक्षकों के द्वारा दिए गए आवेदन के आलोक में संबंधित मिडिल स्कूल में रिक्त पदों पर स्थानांतरित करते हुए योगदान की तिथि से पदस्थापित किया गया है। तबादले की कार्रवाई में 44 हेडमास्टर, स्नातक कला संकाय के 14 एवं विज्ञान संकाय के 2 शिक्षक के अलावा 4 मैट्रिक प्रशिक्षित नियमित शिक्षक शामिल हैं। डीपीओ ने बताया कि विभागीय प्रावधान के तहत संबंधित शिक्षकों के द्वारा 33 स्कूलों का विकल्प में 7 ऐच्छिक तबादले के लिए 103 शिक्षकों के द्वारा आवेदन जमा कराए गए थे। तो दोस्तों, बिहार सुबह की ताजा खबरों में अभी के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, जिससे कि आपको बिहार सुबह की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। तो मिलते हैं दोस्तों अपनी नेक्स्ट वाली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।